हमारे मेहरौली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साउथ दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी की हमारे को समर्थन देने आए हैं और मैं बहुत बहुत आधार प्रकट करती हूँ उनका कि वो हमें आज अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैम आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा है एमसीडी में भ्रष्टाचार को समाप्त करना और दिल्ली को एक स्वच्छ और सुंदर सरकार देना। मैम ये जो पदयात्रा आप कर रही हैं इससे लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी, लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग चाहते हैं कांग्रेस सरकार फिर से आए क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत दोनों सरकार से परेशान हो चुके हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा आ रहा है, तो यही सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए और उनके राज में जो पहले शीला दीक्षित के राज में तो कार्य होते थे वही दोबारा से। मैम आप अपनी क्षेत्र की जनता से कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपना समर्थन दे के भारी वोटों से विजय बनाएं। देखिए प्रवीण डोगरा जी के हाथ इसलिए मजबूत करने आए हैं कि आप देख रहे हैं सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियां टूटी हुई हैं, गंदगियों के ढेर हैं, लेंटर माफिया सक्रिय हैं, स्कूल बने नहीं हैं, सड़कों की दुर्दशा है। आज सब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह पदयात्रा कर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग उनके साथ जनसैलाब चल रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह प्रवीण डोगरा एक के घर में जा रही हैं, आदरणीय रमेश कुमार जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं सुबह घर से निकलते हैं, रात को घर जाने का कोई टाइम नहीं है। हमारा एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस तरह आज मेहनत कर रहा है, लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है कि भाई साहब अब तो लोग एक ही बात लोगों ने कहना चालू कर दिया है, चाहे वो रमेश जी को कहें, मुझे कहें, ऋषि भाई को कहें या प्रवीण डोगरा को कहें कि इससे इन लोगों से तो अच्छी कांग्रेस पार्टी है और अब हमने मन बना लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिताएंगे। यदि आपकी उम्मीदवार आती है तो लैंडर माफिया को क्या कहेंगे? देखिए अगर प्रवीण डोगरा आती है, रमेश कुमार जी हर मीटिंग में कह रहे हैं कि अगर प्रवीण डोगरा यहाँ बनेगी तो मैं आपको कहना चाहता हूँ साध नगर वार्ड में लैंडर माफिया नहीं, ना तो एमसीडी का कर्मचारी किसी के घर के दरवाजे पे खड़ा हो सकेगा, ना पुलिस का कोई कर्मचारी इनके दरवाजे पे खड़ा हो सकेगा। लेंटर माफिया को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त करेगी प्रवीण डोगरा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।